मध्य प्रदेश में कमलनाथ के द्वारा चलाए जा रहे इस मुहिम के अंतर्गत प्रशासन ने कई भूमाफियाओं का पर्दाफाश किया। वहीं नए साल में गुरुवार को भूमाफिया चंपू अजमेरा के अवैध निर्माण को तोड़ दिया। दरअसल प्रशासन ने लसूड़िया में चंपू की टाउनशिप द एड्रेस में अवैध रूप से बनाए गए क्लब हाउस की एक मंजिला इमारत तोड़ दी। रिमूवल टीम ने क्लब हाउस को 3 घंटे में ही ध्वस्त कर दिया। गुरुवार को टीम 2 पोकलेन के माध्यम व 3 JCB के साथ 9 बजे टाउनशिप पहुंच गई थी, जिसके बाद 3 घंटे में अपना काम खत्म कर टीम रवाना हो गई। इस दौरान निगम के उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान व रिमूवल टीम के 60 कर्मचारी, SDM व तिलक नगर थाना प्रभारी और लसूड़िया व विजयनगर थाने के करीब 15 जवान मौजूद थे। क्षेत्रवासियों के द्वारा बताया गया कि चंपू अवैध रूप से टाउनशिप का निर्माण करवा रहा है, लेकिन निगम की कार्रवाई के बाद लंबे समय से क्लब हाउस का काम बंद था। जिस समय रिमूवल टीम अपना काम कर रही थी, उस दौरान टाउनशिप में रहने वाले लोग अपने घरों में खिड़की दरवाजे बंद कर बैठे थे। कई लोगों ने घर के अंदर से ही क्लब हाउस का मोबाइल से वीडियो भी बनाया। जानकारों के अनुसार चंपू अजमेरा अभी फरार है, पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।